गुड मॉर्निंग 10th क्लास, हम मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं, और क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो इसके थोड़े बहुत जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो अपन ब्रीफ में करते हैं और फिर अपन अपने रिवीजन पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम डिस्कस कर रहे थे फॉरेस्ट के बारे में और मैंने बताया था कि फॉरेस्ट के अंदर स्टेक होल्डर्स कौन से हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट। कुछ टर्म्स भी मैं लिखूंगा बच्चों और वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। सस्टेनेबल मैनेजमेंट एक है डीफॉरेस्टेशन, सेकंड है एफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन एग्रो फॉरेस्ट्री। क्योंकि बच्चों ये कॉम्पिटिशन्स में आ जाते हैं ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैं करवा देता हूं आपको। एग्रोफॉरेस्ट्री है एंड यील्ड ब्लॉक कटिंग। बच्चों फर्स्ट जो टर्म है वो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मीन क्या है कि हम जिस भी नेचुरल रिसोर्स को यानी कि जो फॉरेस्ट वगैरह है उनको हम यूज कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो उनको इस तरीके से यूज करना कि उनकी अवेलेबिलिटी आज भी बनी रहे और जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी बनी रहे, एकदम इररिलेवेंट तरीके से हम उनको ना काटें। सेकेंड नेक्स्ट लेते हैं डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन क्या है कि अपन अपनी जरूरतों के लिए, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपनी नीड के लिए जो है फॉरेस्ट को काटना, जंगलों को काट देना, है ना। जैसे कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरों का विकास हो रहा है, शहरों का साइज इंक्रीज हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो फॉरेस्ट का जो पार्ट होता है उसको वो कट करके वहां पर जो है इंडस्ट्रीज बना देते हैं या फिर कॉलोनीज बना देते हैं। तो किसी भी मीन के लिए, किसी भी नीड के लिए फॉरेस्ट को काटना, इसे हम क्या कहते हैं, डीफॉरेस्टेशन कहते हैं। एफॉरेस्टेशन क्या है कि ऐसी बंजर भूमि, ऐसी जो बैरन लैंड्स जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है, वहां पर उन्हें धीरे धीरे फर्टाइल बनाकर वहां पर फॉरेस्ट का डेवलपमेंट करना, वहां पर पेड़ लगाना, फॉरेस्ट लगाना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन वो प्लेसेस जहां पर पहले फॉरेस्ट थे, वेजिटेशन था, किसी कारण से वहां वेजिटेशन रिमूव हो चुका है, फॉरेस्ट रिमूव हो चुके हैं, वहां पर वापस से पेड़ लगाना, वापस से फॉरेस्ट डेवलपमेंट डेवलप करना, इसे हम क्या कहते हैं, रीफॉरेस्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है बच्चों, खेती के साथ में, क्रॉपिंग के साथ में पेड़ों को उगाना, मतलब अपन कोई फसल बो रहे हैं और अपने फार्म के अंदर अपन पेड़ भी लगा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एग्रोफॉरेस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एग्रोफॉरेस्ट्री। अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेते हैं यील्ड ब्लॉक कटिंग। बच्चों जो फॉरेस्ट है उनके जो प्रोडक्ट है उनको प्राप्त करने का एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है कि यील्ड ब्लॉक कटिंग करें। हम किसी एक हिस्से में हम पेड़ों को काटें या वहां से प्रोडक्ट प्राप्त करें, ठीक है ना, पूरे फॉरेस्ट को हम रिमूव ना करें, तो इसे कहते हैं, तो उस जगह जहां हमने पेड़ काटे हैं या उनके प्रोडक्ट काम में लिए हैं, तो वहां पर कुछ टाइम बाद में वापस से हम पेड़ लगाएं और किसी और हिस्से में एक ब्लॉक डिसाइड कर लें और वहां पर फिर वहां से पेड़ों की कटिंग करें या फिर वहां से हम प्रोडक्ट प्राप्त करें। तो इस तरीके से करने से क्या होगा कि डीफॉरेस्टेशन नहीं होगा। ओके, कुछ मूवमेंट बताऊंगा एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो चलाए गए, जो हुए सोसाइटी के अंदर हुए, फिर वो एक आइडियल बन गए दूसरे लोगों के लिए, एक अच्छा मैसेज बन गए, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले मैं बंगाल की बात करूंगा। मैं बच्चों
वेस्ट बंगाल के अंदर 1972 में जो अराबरी फॉरेस्ट है, अराबरी फॉरेस्ट, तो वहां जो है साल ट्रीज। बच्चों जो 1972 में जो साल अराबरी फॉरेस्ट है वहां पर साल जो पेड़ हैं साल के वो पाए जाते थे। तो वेस्ट बंगाल की जो वहां का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उन्होंने क्या किया, लोकल जो लोग थे वहां के उनको इन्वॉल्व कर लिया उन फॉरेस्ट की देखरेख के लिए, उनको बचाने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से लोकल जो पीपल थे आसपास के उनके इन्वॉल्वमेंट से क्या हुआ कि फॉरेस्ट जो है बचे रह गए, जो साल के फॉरेस्ट थे अराबी फॉरेस्ट थे वो बचे रह गए, ठीक है ना। और बदले में उनको क्या मिला, जो लोकल पीपल थे विलेजर्स थे उनको एक तो बहुत ही लो कॉस्ट पर जो है पेड़ या पेड़ों के प्रोडक्ट्स मिले, ठीक है, फ्यूल मिला उनको, फॉडर मिला बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर। तो इस तरीके से क्या है कि एक फॉरेस्ट पूरे को ही बचा भी लिया गया और जो लोकल पीपल है उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया। और बाद में जब उसकी वैल्यू इवेल्युएट की गई तो 12.5 करोड़ वैल्यू इवेल्युएट की गई जो है उस अराबी फॉरेस्ट की। तो ये एक लोकल जो वहां के लोग हैं विलेजर्स हैं उनके इन्वॉल्वमेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों अपन, कुछ टर्म्स हैं। पहले एक सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर क्या है, और फिर अपन बात करेंगे अमृता देवी विश्नोई का जो मूवमेंट था जोधपुर के अंदर, अमृता देवी है ना इन खेजड़ली, खेजड़ली विलेज, ठीक है। तो ये बात है 1731 की। पहले लेते हैं बच्चों सिल्वी कल्चर, व्हाट इज द सिल्वी कल्चर, ट्रीज लगाना, पेड़ों को लगाना, इसे हम क्या कहते हैं, सिल्वी कल्चर कहते हैं, ओके। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, अब कुछ एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ मूवमेंट हुए 1731 के अंदर। 1731 के अंदर जो जोधपुर के जो किंग थे, जो राजा थे, उन्होंने अपने जो सिपाही थे उनको ऑर्डर दिया कि एक नया पैलेस बनाना है तो वहां के लिए लकड़ियां लाइए, वुड लाइए। तो वहां पास ही एक विलेज है जिसका नाम है खेजड़ली। तो उस खेजड़ली विलेज में विश्नोई समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो जो सिपाही थे वो जब खेजड़ली विलेज गए और वहां पर खेजड़ी जो राजस्थान का जो एक जो स्टेट जो क्या कहते हैं राज्य वृक्ष है वो है खेजड़ी। तो खेजड़ी के पेड़ वहां पर बहुत ज्यादा है तो उसको काटने के लिए गए। तो वहां की जो लोकल एक लेडी थी वहां की अमृता देवी, तो अमृता देवी उनकी बेटियां और वहां की 300 और जो औरतें थी वो आगे आई और उन्होंने पेड़ों को काटने से रोका। उन्होंने कहा कि अगर पेड़ काटने तो पहले हमें काटिए, हमारी गर्दन काटिए। तो किंग ने जो राजा ने ऑर्डर दिया कि उनको मार दिया जाए, तो उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दे दिया, अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया उन पेड़ों को बचाने के लिए। और तब से वो एक बहुत ही बड़े मैसेज के रूप में पूरे देश के अंदर स्प्रेड हुआ और इसीलिए इसे हम अमृता देवी मूवमेंट भी कहते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने एक अवार्ड अनाउंस की कर रखा है अमृता देवी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड, कंजर्वेशन अवार्ड, ठीक है बेटा। ये अमृता देवी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन अवार्ड इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस्ड है, जो कि हर साल उन सोसाइटीज को दिया जाता है या उन लोगों को दिया जाता है जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ बड़ा काम करते हैं, ठीक है बेटा। एक और मूवमेंट है बच्चों, 1973 के अंदर हुआ ये उत्तराखंड के अंदर रेनी गढ़वाल, हम्म,
बच्चों इसे हम कहते हैं चिपको आंदोलन। क्या कहते हैं? चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन कहते हैं। ये बच्चों 1973 में हुआ, रेनी विलेज के अंदर हुआ, और ये गढ़वाल में है, गढ़वाल उत्तराखंड। ये बच्चों मूवमेंट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी इनके बारे में पूछ लिया जाता है। बच्चों चिपको मूवमेंट 1973 की बात है। रेनी एक विलेज है गढ़वाल के अंदर, ये उत्तराखंड में है, और दिन के समय जब जो जेंट्स थे, घरों के जो मुखिया थे, वो जब अपने काम पर गए हुए थे, तो वहां के जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो वहां के पेड़ों को काटने के लिए आए, तो वहां एक महिला हुई गोरा देवी। तो गोरा देवी की लीडरशिप में गोरा देवी और उसकी और कई सारी जो आसपास की महिलाएं थी वो आगे आई और वो पेड़ों के चिपक गई। उन्होंने हग कर दिया, हग द ट्री, इसे हम कहते हैं हग द ट्री मूवमेंट, हग द ट्री मूवमेंट भी कहते हैं। तो वो पेड़ों के चिपक गई और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को कह दिया कि भाई पेड़ नहीं काटने देंगे, ठीक है ना। तो मजबूरन क्या है कि उन कॉन्ट्रैक्टर्स को फिर पीछे हटना पड़ा और उन्होंने खूब कई सारे पेड़ों को बचा लिया। तो तब से ये मूवमेंट तो पूरे देश में स्प्रेड हुआ, इसका मैसेज सभी सोसाइटीज में गया। इस मूवमेंट को हम कहते हैं चिपको आंदोलन एंड चिपको मूवमेंट भी कहते हैं इसे, ठीक है बेटा। एक और चीज बाद में जो है गोपेश्वर दत्त, ठीक है, गोपेश्वर दत्त और सुंदर बहुगुणा नाम के दो व्यक्ति हुए, उन्होंने भी इस मूवमेंट को और आगे स्प्रेड किया। इसी के तरीके से बच्चों कर्नाटक के अंदर एपिको मूवमेंट और एपिको चालुवती, तो ये दो मूवमेंट भी, सॉरी, ये एक और मूवमेंट कर्नाटक में हुआ, ये कर्नाटका में एंड इसको लीड किया पांडुरंग हेगड़े, ठीक है। इसमें तीन वर्ड्स हैं बच्चों, उलीसु, बेलेसु, उलीसो बेलेसु एंड बलासु, ये तीन वर्ड्स पर जो है स्ट्रेस दिया गया, इनका क्या मीन है, ठीक है बच्चों। कर्नाटक के अंदर जो मूवमेंट हुआ उसका क्या नाम है? एपिको मूवमेंट और एपिको चालुवटी। ये कर्नाटक में हुआ और इसको लीड किया, इसके लीडर थे पांडुरंग हेगड़े, और उन्होंने तीन वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस दिया, जोर दिया, उलीसो बेलेसु बलासु, ठीक है। उलीसो का मतलब होता है कंजर्वेशन, बेलेसु का मतलब होता है प्लांटेशन, मतलब पहले तो कंजर्व करो, बेलेसु मतलब और प्लांट लगाओ, बलासु का मीन्स होता है रेशनल यूज, कि उसका सही यूज करो, ठीक है। तो उलीसो बेलेसु बलासु, कंजर्वेशन प्लांटेशन एंड रेशनल यूज, तो ये मूवमेंट भी साउथ इंडिया में काफी फेमस हुआ और इसका मैसेज स्प्रेड हुआ। अब बात करते हैं बच्चों रेन्स की और फिर इस चैप्टर को अपन वाइंड अप करते हैं। रेन्स इन इंडिया, ठीक है, एंड नेक्स्ट लेते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, कुछ और टॉपिक्स भी हैं जैसे कि कुल्स,
डैम्स, कुल्स डैम्स और खाड़िंस, फिर अपन बात करेंगे रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। बच्चों जल्दी से लेते हैं इन टॉपिक्स को, रेन्स इन इंडिया। बच्चों भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो भी रेनी रेन होती है वो मॉनसून्स की वजह से होती है। जो मॉनसून आता है जून जुलाई में, वो अपने साथ में जो क्लाउड्स लाता है और फिर रेनिंग होती है, तो बारिश खूब होती है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह है कि उसका हार्वेस्टिंग सही नहीं होता है। काफी सारा जो बारिश का पानी है वो यूं ही वेस्ट चला जाता है, बह जाता है, क्योंकि सरफेस पर गिरेगा तो उसमें इम्प्योरिटीज घुल जाएंगी और वो पानी जो है इम्प्योर हो जाएगा। तो अगर पानी की हार्वेस्टिंग सही से कर ली जाए तो पानी की कमी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि जो नेचुरल वाटर है उसको हार्वेस्ट करके रखना, उसको स्टोर कर लेना, उसको सही से यूज करना, ये क्या कहलाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है, ठीक है बेटा। तो कुल्स, कुल्स क्या है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, ठीक है ना, तो हिली एरिया है, तो वहां पर क्या कुल्स बनाए जाते हैं। तो जो जो जनरल जो नेचुरल कैनाल्स जब जारी होती है तो उनके पानी को डाइवर्ट करके, ठीक है, और उनकी एक स्ट्रीम अलग बना ली जाती है, तो ऐसे चैम्बर्स बना लिए जाते हैं जहां पानी का स्टोर कर लिया जाता है। तो इस तरीके की जो हार्वेस्टिंग है इन्हें हम क्या कहते हैं, कुल्स कहते हैं, और इसका मैनेजमेंट करते हैं जो लोकल जो गांव है वहां की, जो विलेजेस हैं वो मैनेजमेंट देखते हैं, और उनकी देख रेख के लिए वो दो या तीन लोगों को रखते हैं और उनको पेमेंट भी करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं डैम्स। बच्चों डैम्स के द्वारा क्या किया जाता है, पानी को रोका जाता है, तो इसके द्वारा पानी को रोक भी लिया जाता है और उस पानी का उपयोग भी किया जाता है, और डैम्स बनाकर उन पानी के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं खाड़िंस। खाड़िंस का मैं स्केच बना देता हूं बच्चों, जिससे थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। एक ब्रीफ स्केच बना रहा हूं मैं। खाड़िन क्या है बच्चों, खाड़िन का क्या कहते हैं कि राजस्थान के अंदर खाड़िन जो सिस्टम है वो राजस्थान में देखने को मिलता है, कि जो पहाड़ी इलाके हैं राजस्थान के, तो वहां पर पानी फ्लो के साथ जो है ढलान के अंदर जो है वो बह जाता है सही। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो हाई एरिया है वहां पर पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ढाल वाला इलाका है तो यहाँ पर एक खाड़िन बंद बना देते हैं, एक वॉल बना देते हैं, ठीक है। ये बच्चों कैचमेंट एरिया हो गया, तो पानी जब यहाँ गिरेगा तो यहाँ से धीरे धीरे फ्लो होगा उसका, ठीक है, और फिर यहाँ पानी इकट्ठा होगा तो यहाँ पर क्रॉपिंग कर ली जाती है। ये जो एरिया कैचमेंट एरिया, तो यहाँ पर क्रॉपिंग कर ली जाती है, फसलें बोई जाती हैं। अगर पानी का लेवल और हाई जाता है तो इस दीवार को क्रॉस करके वो यहाँ तक आ जाता है। यहाँ पर बच्चों ये छोटे डग वेल्स हैं, तो इन अगर पानी और आगे आता है तो इन डग वेल्स के अंदर क्या होता है, पानी का स्टोरेज हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा पानी, एक्सेस पानी है तो डग वेल में स्टोर हो जाता है, और अगर कुछ पानी यहाँ खेती में काम आ गया, फार्मिंग में काम आ गया, ठीक है, पानी कम है तो वो यहाँ भी उसका कैचमेंट एरिया, तो यहाँ वो यूज आ गया। तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं खाड़िन मैनेजमेंट या खाड़िन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये राजस्थान में देखने को मिलता है। फिर लेते हैं बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। हमारे यहाँ हर साल 2 महीने लगभग बारिश होती है,
जो मैंने नागौर के अंदर देखा, कुचामन के अंदर देखा, वहां पर क्या पानी खारा है, फ्लोराइड वाला पानी है। तो वहां पर क्या करते हैं लोग, अपने घरों पर जो बारिश होती है तो उस छत के पानी, छत का कनेक्शन जो रूफ है उसका कनेक्शन अपने अंडरग्राउंड जो टैंक्स हैं उनसे कर लेते हैं। तो जब भी बारिश आती है तो वो पानी वहां स्टोर हो जाता है, फिर उस स्टोर्ड पानी को वो पीने में काम में लेते हैं फिल्टर करके। ठीक है बेटा, तो इसे हम क्या कहते हैं, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो नागौर के अंदर मैंने ये सिस्टम देखा कि लोग इस तरीके से पानी को बचाते हैं। ये बच्चों खाड़िन सिस्टम का स्केच है ना, बच्चों। अब लास्ट दो टॉपिक्स और मैं लूंगा, कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ बच्चों, बच्चों रूफ टॉप हार्वेस्टिंग करने से, वाटर की हार्वेस्टिंग करने से, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने से कई सारी बेनिफिट्स हैं, है ना। इनकी उपयोगिता बनी रहे, ये आने वाली जनरेशन के लिए भी बने रहे, तो हमें सही से यूज करना जरूरी है। ठीक है बेटा, वाटर हार्वेस्टिंग करने के कई सारे बेनिफिट्स हैं कि इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, खेती को प्रॉपर पानी मिलता है, जो पानी बेवजह इकट्ठा होता है वहां पर ब्रीडिंग प्लेसेस आ जाते हैं दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वाटर हार्वेस्टिंग करने से वो भी परेशानी नहीं रहती, ब्रीडिंग प्लेसेस जनरेट नहीं होते हैं मॉस्किटोज के लिए। ठीक है, जो जमीन है, जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनी रहती है वाटर को हार्वेस्ट करने से, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है पानी का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है। लास्ट टू टॉपिक्स हैं कोल एंड पेट्रोलियम एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चों कोल एंड पेट्रोलियम आर द फॉसिल फ्यूल, और उनको बनने में, अर्थ की लेयर्स में उनको बनने में लाखों मिलियंस ईयर्स लगे हैं। ठीक है, और अगर हम इसी तरीके से उनका सही उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले 100-200 सालों बाद हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए शायद पेट्रोल, डीजल या कोल अवेलेबल ना रहे, क्योंकि अर्थ के अंदर जो उनके सोर्सेज हैं वो फिनिश हो जाएंगे। तो कोल एंड पेट्रोलियम को बनने में इतने साल लगे, इसलिए उनका सही से यूज करना हमें बहुत जरूरी है। ओके बेटा, और ये कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बने होंगे, मैंने फॉसिलाइजेशन में समझाया था कि जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो डाई हो गए, जमीन पे गिर गए, फिर उनके ऊपर सॉइल की लेयर्स डिपॉजिट हो गई, धीरे धीरे और लेयर्स बनती गई और वो डिप्रेस होते चले गए और उनके डिकम्पोज और डिग्रेड होने से दे कन्वर्टेड इनटू द फॉसिल फ्यूल, इनटू द पेट्रोल, डीजल एंड कोल। ओके, नेक्स्ट लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चों मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जनरली मैं व्हीकल यूज करता हूँ, गाड़ी यूज करता हूँ घर से यहाँ तक आने के लिए, या तो बाइक या फिर कार। ठीक है ना, लेकिन घर जाने के बाद में मुझे आसपास कोई भी काम करना होता है तो मैं वॉक करते हुए जाता हूँ, पैदल चला जाता हूँ। ठीक है ना, तो इससे मैं फ्यूल तो बचाता ही हूँ, साथ साथ एनवायरमेंट पॉल्यूशन को भी रोकता हूँ। ठीक है ना, और इससे मेरी हेल्थ के लिए भी अच्छा है कि अगर मैं पैदल चलूंगा तो मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, ज्यादा आराम देंगे शरीर को तो दूसरी बीमारियां शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक मैनेजमेंट कर दिया नेचुरल रिसोर्स का, कि मैंने पेट्रोल को सही जगह यूज किया, सिर्फ घर से यहाँ तक आने में सही जगह। ठीक है ना, उसको बेवजह मैंने गाड़ी को कहीं नहीं घुमाया। ठीक है बेटा, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपके आसपास अगर स्कूल है, आपकी संस्था पास में, तो आप पैदल स्कूल आ सकते हैं। ठीक है ना, अगर दूर है तो एक अलग बात है। ठीक है ना, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि जयपुर की बात करूँ तो आपको जाना है, कॉलेज जाना है, तो आप जो सिटी बसेज हैं उनमें जा सकते हैं बजाय पर्सनल कार लेके या पर्सनल गाड़ी लेके। तो इस तरीके से आपके घर में बेवजह अगर लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, तो उसको आप, कोई नहीं है रूम के अंदर, उसको ऑफ रख सकते हैं।
ठीक है ना, एसी का यूज है, एसी जनरली एसी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल बनते हैं एसी के अंदर तो, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि एसी जब जिस रूम में चलता है तो वहां का क्लाइमेट ठंडा हो जाता है, तो अपन 2 to 3 hours एसी रन करके फिर हम उसको ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, फिर हम फैन के ऊपर हम उस रूम में बैठ सकते हैं, फैन के अंदर नीचे अपन आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि क्लाइमेट ठंडा हो गया, बाकी हवा तो अपन को फैन से मिली जाती है, तो हम ऐसा करके हम इलेक्ट्रिसिटी का भी बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी अननेसेसरी कोई भी इक्विपमेंट ऑन है उसका कोई यूज नहीं हो रहा है तो उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो ये क्या है, मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज का। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लाइफ प्रोसेसेस को, क्योंकि युवराज दादा और एक दो बच्चे और हैं, उन्होंने कहा था कि सर एक बार और आप इसको रिपीट कर देना। तो क्या आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, एक बार हैंड रेज कर दो सारे। हाँ, अगर आपको ये चैप्टर क्लियर है, इजी सा था, एनवायरमेंट से रिलेट करता हुआ था, तो थैंक यू बच्चों। चलिए बच्चों, मैं नेचुरल जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उसको स्टार्ट तो कर देता हूं, कल की क्लास में उसको आगे अपन बढ़ाएंगे। अच्छा, आपकी कोई डाउट हो, आप चाहते हो कि ये टॉपिक दोबारा समझाया जाए तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। यस बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस क्या है बच्चों, लिविंग बींग्स में, प्लांट्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर या दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर, वो सारे प्रोसेसेस, वो सारी रिएक्शंस जो हमारे लाइफ के बने रहने के लिए इसेंशियल है, तो दे आर नॉन एज लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस है, एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस है, हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है बेटा। तो ये सब किसके एग्जांपल है, लाइफ प्रोसेसेस के एग्जांपल है, और इस चैप्टर में हम इन्हीं सब टॉपिक्स को पढ़ते हैं, और ये चैप्टर बच्चों आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। बच्चों न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है बच्चों जिसके हम अंदर हम फूड को एनगल्फ करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर उन सिंपलर मॉलिक्यूल्स का हम एसिमिलेशन करती है हमारी बॉडी, और उससे दूसरे नए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, ठीक है। तो इस कंप्लीट या होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं बच्चों, डेफिनेशन एग्जैक्ट होनी बहुत जरूरी है बच्चों। मैंने ये नोटिस किया है कि आपको नॉलेज होता है, आपको लर्निंग भी है, लेकिन जो एक्सप्रेशन है, जो आपका प्रेजेंटेशन है, वो इतना बढ़िया नहीं आ पाता है कुछ बच्चों का, बस वही आपके आंसर के वेट को बढ़ाता है या घटाता है। समझ में आ गई बात आपके, अगर आपको लर्निंग है, आपको नॉलेज भी है, आपको आंसर भी आता है, लेकिन आपने एक्सप्रेशन सही नहीं दिया, उसका प्रेजेंटेशन सही नहीं आया, उसकी डेफिनेशन सही नहीं आई, उसकी इक्वेशन सही नहीं आई, तो उस आंसर का जो वजन है, जो वेट है, वो कम हो जाता है, और यही कारण से एग्जामिनर आपको मार्क्स कम दे देता है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि आपने सारा सिलेबस पढ़ तो लिया, लेकिन उसको वापस से रिवाइज करें, पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करें, डेफिनेशन को स्पेशली रिवाइज करें, डायग्राम्स को स्पेशली रिवाइज करें। ओके बेटा, तो ये मैं बताना चाहता हूं आपको। तो डेफिनेशन क्या है, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एनगल्फ द फूड, डाइजेस्ट द फूड एंड
convert them into the simpler molecules and derive the energy and other complex molecules from them. This is called nutrition. Okay, beta? Yani ki food ko engulf karna, digest karna, absorb karna, then phir uske dwara dusre complex molecules banana, energy ko derive karna, is complete process ko hum nutrition kehte hain. बच्चों न्यूट्रिशन को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज द हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है बच्चों? ऑटो मतलब सेल्फ, ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करते हैं. दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऐसा न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. ओके बेटा, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है वो कुछ मिनरल्स या केमिकल्स को सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, फास्फोरस बैक्टीरिया. ओके बेटा, उसके बाद में हम बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स की. ठीक है, अच्छा, हिटरोट्रॉफिक की डिफाइन करके फिर मैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर वापस आता हूँ. हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? हिटरो मतलब अदर, टू अदर मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स प्लांट से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं. तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज हिटरोट्रॉप्स. अंडरस्टूड? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हिटरोट्रॉप्स कहते हैं. ठीक है बेटा, चलिए तो मैं पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटो ऑटोट्रॉफ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. एक इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, वो समझा के आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा. फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है बेटा, तो 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल हो गया पिगमेंट एंड सनलाइट ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं. C6H12O6 प्लस 6H2O एंड प्लस 6O2. ओके बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चों? बच्चों जो ग्रीन एल्गा है, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल पिगमेंट्स की प्रेजेंस में सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में. और इसके लिए क्या करते हैं? वो एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 और वाटर को रिएक्शन करवा के कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ग्लूकोज में, और साथ में एसेसरी मॉलिक्यूल्स के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं. तो इक्वेशन को देखिए, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. तो CO2, 6CO2, 12H2O, क्लोरोफिल पिगमेंट, सनलाइट, ग्लूकोज, वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन. तो इस प्रोसेस को इसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. तो डेफिनेशन क्या निकल के आएगी इसकी? द ग्रीन एल्गा एंड ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, दे एब्सॉर्ब द CO2
from the air and water from the soil and converts them into the glucose, and as a form of byproduct, water molecule and the oxygen molecules get releases. This process is known as photosynthesis. Okay, beta. बच्चों ओनली 3 मिनट्स रिमेनिंग है, तो मैं क्लास को यहीं रोक रहा हूँ. आपको अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए.